हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है ब्यूटीज एंड ब्लॉग्स। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग से पर्पल हॉल। जैसा कि मैंने पर्पल वेयर किया है और मैं आज आपके साथ पर्पल हॉल शेयर करने वाली हूँ। पहला बॉक्स एंड ये रहा दूसरा बॉक्स। तो मैंने बहुत भर भर के शॉपिंग की है पर्पल से, तो वो आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर है और स्किन केयर भी है, काफ़ी कुछ मिला जुला के मैंने ऑर्डर किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकेंड वाला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कप्स एंड लैशेज़ का अगेन कॉन्टोर, जिसमें इसका शेड है 02। ये मैंने ऑर्डर किया है कॉन्टोर, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास कॉन्टोर नहीं है। मेरे पास जो मेबलिन का टॉफी वाला शेड है ना, वो मैं एज अ कॉन्टोर इस्तेमाल करती हूँ। भाई झूठ क्यों बोलना, क्योंकि मुझे वो परफेक्ट लगता है मेरे स्किन टोन के हिसाब से। बट ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्टोर शेड है एंड इट्स ब्यूटिफुल शेड। फ़िलहाल मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, ऐसा क्लेम करते हैं ये। तो मुझे ये वाला शेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कॉन्टोर शेड जो कि 02 है, और इस वक्त पर्पल पे बहुत अच्छी सेल भी चल रही है, तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कप्स एंड लैशेज पे भी काफ़ी अच्छी सेल थी। तो यहाँ पे मैं जो आपको अभी प्रोडक्ट सिखाऊंगी वो सारे कप्स एंड लैशेज के हैं। फिलहाल जो अभी ये वाला बॉक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा शेड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कप्स एंड लैशेज की साइज स्टाइल 12 कलर मिनी पैलेट। ये मैंने ऑर्डर किया, ये मुझे बहुत टाइम से लेने का दिल था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। ये ग्लिटर शेड है, ग्लिटर हार्ट 02, और ये वाला शेड है। इसमें बहुत सारे ग्लिटर्स आपको मिल जाएंगे, ये देख सकते हो आप, बहुत सारे ग्लिटर्स हैं इसके अंदर, पिंक, रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक, बहुत सारे ग्लिटर शेड मिल जाएंगे एंड सबकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सी, पिगमेंटेशन इज़ वेरी वेरी गुड, डैम गुड। मैंने इसको ट्राई भी किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। पीछे इसके सारा कुछ आपको मेंशन भी किया हुआ है कि इसका क्या एक्सपायरी डेट है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, सारा कुछ आपको पीछे की तरफ मेंशन किया हुआ है। ये पूरी की पूरी जो है वो आई शेडो पैलेट जो है वो ग्लिटर वाली है, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसमें मैंने दूसरा शेड भी ऑर्डर किया है और दूसरा शेड जो है वो कुछ इस तरीके से है। एंड ये वाला शेड जो है वो है सिडक्ट्रेस, ओके, एंड दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट वाला शेड, क्योंकि इसमें ना सारा पर्पल पिंक वाला शेड है। तो अगर आपको पर्पल टाइप का शेड्स पसंद है, तो मुझे तो ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पर्पल पिंक मिक्स है इसके अंदर एंड एक दो शिमरी शेड्स भी आपको अवेलेबल होते हैं इसमें, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। 12 कलर के पैलेट में, 12 कलर का मिनी पैलेट है और बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई 2022 है, 2022 है एंड एक्सपायरी इस 2025, तो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे तो ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने इसको ट्राई भी किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैं आपके साथ, ये भाई बड़े वाले बॉक्स की, इस वाले बॉक्स को हम अब ट्राई करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या है, लेट्स सी। तो इसमें तो ज़्यादातर मुझे लगता है हेयर केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो पहला वाला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बकूची ऑयल गुड वाइब्स की नाइट क्रीम। ये मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में शेयर की है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अच्छी सी नाइट क्रीम ढूंढ रहे हो तो आप ये वाली क्रीम के लिए जा सकते हो। अगर आपकी सेंसिटिव और ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन भी है, तो आप डेफिनेटली ये बकूची ऑयल वाली इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है, इसीलिए ये मेरा सेकेंड परचेज है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर शैम्पू, ओके। शैम्पू में जो है एक्चुअली इसका एक
स्टोरी है शैम्पू की। ये शैम्पू मैं अपनी बेटी के लिए एक्चुअली लैक्मे के सलोन में मैं उसको लेकर गई थी, उसके बाल ना काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं जैसा मैंने पहले भी बताया, तो मैंने वहाँ हेयर कट करने के लिए बोला था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करो, तो मैंने इसकी बड़ी बॉटल जो है वो मंगवा ली है। पहले मैंने छोटी वाली मंगवाई थी जो कि 500 ml की थी या 400 ml की थी और वो फिनिश हो गई, तो अब मैंने ये बड़ा वाला बॉटल मंगवाया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके बालों में काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंस देखने को मिला है और मैं खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा सिल्की साइनी एंड स्मूथ हो गए हैं। तो आप डेफिनेटली इस वाले, अगर आपके फ्रिजी वाले हेयर है ना, जो फंसते हैं फ्रिजी हेयर है, आप ये वाला शैम्पू ट्राई करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इसकी बड़ी बॉटल जो है वो मुझे कॉस्ट करी है अराउंड 1200 डिस्काउंट के बाद, तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई कर सकते हो। इसके साथ मैं आपके आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसका मास्क भी ट्राई करो, क्योंकि कंडीशनर के अलावा के बजाय अगर आप मास्क ट्राई करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पेप्टाइड रिपेयर रेस्क्यू ट्रीटमेंट फॉर फाइन टू नॉर्मल डैमेज हेयर एंड सम मास्क प्योर सेंसिबल फाइन एंड मस्क्योर। तो ये बहुत ज़्यादा मस्त वाला मास्क है एंड पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है, सारा देख सकते हो आप पूरा भरा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सामान कम है अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिली है मेरी बेटी के हेयर्स में, मुझे अपने पर्सनली खुद के हेयर्स में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आप डेफिनेटली इसको भी ट्राई कर सकते हो। सो ये था बड़े वाले बॉक्स का फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेबलिन का हाई स्काई मस्कारा। इसके बारे में भैया मैंने बहुत सुना है कि ये लैशेस को बहुत अच्छी वाली वॉल्यूम देता है, बहुत अच्छा बिल्कुल आपको लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी अच्छी वॉल्यूम देता है। तो मैं डेफिनेटली इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसका एक शॉट बनाने वाली हूँ, तो आपको अगर देखना हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। मुझे अभी तक मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, ये पूरा पैक्ड है, आप देख सकते हो। सो ये कुछ इस तरीके का है और ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस में भी मिल गया, कुछ डिस्काउंट था तो डिस्काउंट में भी मुझे ये वाला मिल गया था। इसके साथ मुझे मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा जो है वो फ्री मिला है। सो ये काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे कि मुझे ये वाले मस्कारे के साथ ये वाला मस्कारा फ्री मिल गया, तो ये तो मेरा फेवरेट है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, नाउ कप्स एंड लैशेस का अगेन एक और प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, एंड ये जो ब्रश है वो कौन सा नंबर है, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश एंड इट इज़ E005 एंड ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, बहुत ही सॉफ्ट। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी आइज़ है तो आप इस वाले ब्रश से ब्लेंडिंग कर सकते हो, कमाल की ब्लेंडिंग हो रही थी इससे। इसको मैंने इस्तेमाल किया था एक बार, बहुत लाइट सा शेड इस्तेमाल किया था इसमें, तो गंदा भी नहीं हुआ है ये, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कप्स एंड लैशेस के ब्रशेस काफ़ी अच्छे होते हैं, खैर ये बात तो कहनी पड़ेगी, उनके ब्रशेस काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने उनका फाउंडेशन ब्रश इस्तेमाल किया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लिटरली इतना अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड होता है ना उस ब्रश से, कॉन्टोर इतना अच्छा हो जाता है। वो ब्रश दो तरीके से काम करता है, आप उससे कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, आप उससे जो है अपना फाउंडेशन ब्लेंड भी कर सकते हो। सो ये था, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगेन, ये मुझे एज अ सैम्पल मिला है, ये है ऑयल विटामिन एंड इट इज़ फ्रॉम आर्गन बारबरी फिग। ओके, ये कुछ इस तरीके का, ये भी कुछ समथिंग हेयर का ही है, अभी तक मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही ओपन किया है, एंड ये कुछ इस तरह से अंदर, स्मेल्स लाइक अमेजिंग, स्मेल्स लाइक सो 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 गुड, इतना बढ़िया स्मेल कर रहा है ना, खाने का मन कर रहा है मुझे इसको। सो ये भी कंडीशनर मास्क के तरीके का ही है, ऑयल विटामिन, सो आई थिंक इसको हेयर वॉश करने के बाद लगाने के लिए है ये। मैं इसको पूरा चेकआउट करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये डेफिनेटली है क्या चीज़। तो अब लास्टली
मुझे पर्पल ने सेंड किया एक सैम्पल पाउच जो कि है पर्पल का ये प्राइमर, तो ये उन्होंने मुझे सेंड किया है। इसके बारे में क्या ही कहें, पर्पल के प्राइमर के बारे में मैंने बहुत बात कर चुकी हूँ, बहुत बार इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ, आपको दिखा भी चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। तो उन्होंने मुझे सैम्पल दिया है टेस्ट करने के लिए कि कैसा है, बट उनको क्या पता कि मैं तो इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई, कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड नोटिफिकेशन की बेल को प्लीज़ हिट कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो व्यूअर्स हैं, देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है यार, चार्ज नहीं लगता है ज़रा भी। प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।